अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए उर्दू के, जो उर्दू के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गालिब की खबर किस शहर में है? तो उसके ऑप्शंस है मुंबई, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद। तो राइट आंसर है, आप लोग कमेंट में भी आंसर करके बताइए कि आपने सही आंसर दिया या नहीं। इसका सही आंसर है दिल्ली। एक इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा गीत किसका नावल है? तो ऑप्शन है इस्मत बानो खुशिया, प्रेमचंद, कुरतुलैन हैदर। राइट आंसर है, जैसे कि आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, बानो खुशिया। इसके बाद है, किस अदीब की जिंदगी पर इसके नाम से फिल्में बनी? मंटू, इस्मत, प्रेमचंद, कुरतुलैन हैदर। तो राइट आंसर है, आप लोग कमेंट में भी आंसर देकर बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मंटू। इसके बाद है, उर्दू शायरी की मकबूल सेन कौन सी है? नज़्म, गज़ल, रुबाई, मसनवी। तो इसका राइट आंसर है, आप लोग कमेंट में भी आंसर देकर बताइए। तो इसका राइट आंसर है गज़ल। इसके बाद है, तहकीक के तरीक़ेकार का मुसनिफ कौन है? ऑप्शन है बानो खुसिया, इस्मत, शीन अख्तर, हुरतुलैन हैदर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, शीन अख्तर। इसके बाद क्वेश्चन है, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, आगरा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, आगरा। गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। इसके बाद है, सबरस दास्तान किसने लिखी? ऑप्शन है मुल्ला वजी, इस्मत, प्रेमचंद, कुरतुलैन हैदर। तो इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सबरस किसने लिखी है, सबरस लिखी है मुल्ला वजी ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? काफिया, रदीफ, बख्ता, बदला। तो इसका राइट आंसर है, गजल के आखिरी शेर को कहते हैं मख्ता। इसके बाद है, यहाँ पर यादगार है गालिब किताब में किस शायर की जबाने हैं? तो आरजू, सरसैया, शिबली, गालिब। तो इसमें है, जैसे कि नाम के नाम से ही इसके पता चलता है, यादगार है गालिब में किसकी जबाने हैं? गालिब की जबाने हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसके बाद है, यहाँ पर ख्वाजा हैदर अली का तखल्लुस क्या है? इसका ऑप्शन है आरजू, शिबली, आतिश, सरसैया। तो राइट आंसर है इसका ख्वाजा हैदर अली, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।